गुड मॉर्निंग ट्रिप क्लास, वेलकम टू केतेश्वर इंग्लिश एकेडमी यूट्यूब चैनल। ट्रिप क्लास अपन पढ़ रहे थे मैथ्स। मैथ्स में अपना टॉपिक है मंथ्स ऑफ द ईयर। MONTH मंथ मींस क्या होते हैं? महीने। मंथ मींस क्या होते हैं? महीने। ओ ऑफ टी एच ई द वाई ईयर। ईयर मींस क्या होते हैं? साल। मंथ्स ऑफ द ईयर, वन ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? A year has 12 months. One year में कितने months होते हैं? 12 months होते हैं। कितने months होते हैं? 12 months होते हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे month name। क्या पढ़ेंगे? Month name। One year में कितने months होते हैं? 12 months होते हैं। कौन कौन से होते हैं? J A N U A R Y January। J A N U A R Y January। Second कौन सा होता है? February। F E B R U A R Y February। F E B R U A R Y February। Third month कौन सा होता है? January, February। Third कौन सा होता है? March। M A R C H March। M A R C H March। Fourth month कौन सा होता है? देखो January, February, March। Fourth कौन सा होता है? April। A P R I L April। A P R I L अप्रैल। फिफ्थ कौन सा होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। फिर क्या आएगा नेक्स्ट? मई। एम ए वाई मई। एम ए वाई मई। सिक्स कौन सा होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। सिक्स कौन सा आएगा? जून। जे यू एन ई जून। जे यू एन ई जून। फर्स्ट कौन सा था? जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब सेवंथ वाला कौन सा है? जुलाई। जे यू एल वाई जुलाई। जे यू एल वाई जुलाई। जुलाई के बाद ये कौन सा चल रहा है अपना महीना? अगस्त। कौन सा मंथ है? अगस्त। A U G U S T अगस्त। अगस्त कौन से नंबर पे है? एट नंबर पे है। तो अपन डेट लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? जैसे आज क्या डेट है? 14। अपन लिखेंगे 14। मंथ कौन सा चल रहा है? अगस्त चल रहा है। तो अपन अगस्त पूरा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अगस्त कौन सा मंथ है? एट। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? 08। फिर कौन सा ईयर है? 2020। अपन डेट ऐसे लिखते हैं, अगस्त कौन सा नंबर पे? एट पे। तो अपन ने अगस्त की जगह यहाँ पे क्या लिखा? एट। अगर जुलाई मंथ होता तो अपन क्या लिखते हैं यहाँ पे? सेवन। जून होता तो क्या लिखते हैं यहाँ पे? सिक्स। अपन अब अगस्त के बाद में क्या आएगा? देखो जे ए एन यू ए आर वाई जनवरी। एफ ई बी आर यू ए आर वाई फरवरी। M A R C H मार्च। A P R I L अप्रैल। M A Y मई। J U N E जून। J U L Y जुलाई। A U G U S T अगस्त। अगस्त के बाद में क्या आएगा? जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। कौन सा आएगा? सितंबर। नाइन वाला कौन सा है? सितंबर। S E P T E M B E R सितंबर। S E P T E M B E R सितंबर। सितंबर के बाद में कौन सा आएगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। कौन सा मंथ आएगा? अक्टूबर।
October 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 के बाद में कौन सा आएगा January February March April May June July August September October November कौन सा मंथ आएगा November N O B E M B E R November N O B E M B E R November November के बाद अब last कौन सा है last 12 month कौन सा है January February March April May June July August September October November last कौन सा है December D E C E M B E R December D E S E M B E R December कितने मंथ होते हैं वन ईयर में 12 मंथ होते हैं कितने मंथ्स होते हैं 12 मंथ्स होते हैं दिसंबर के बाद में वापस क्या आ जाएगा जनवरी फरवरी ये चलते रहेंगे तो वन ईयर में कितने मंथ होते हैं 12 मंथ होते हैं अ ईयर हैज 12 मंथ्स वन ईयर कितने मंथ्स का होता है 12 मंथ्स का होता है 12 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद में सेकंड ईयर स्टार्ट हो जाता है 12 मंथ कौन-कौन से होते हैं जे ए एन यू ए आर वाई जनवरी फिर सेकंड कौन सा है एफ ई बी आर यू ए आर वाई फरवरी फरवरी के बाद थर्ड मंथ एम ए आर सी एच मार्च फिर ए पी आर आई एल अप्रैल एम ए वाई मई J U N E June J U L Y July A U G U S T August S E P T E M B E R September O C T O B E R October N O B E M B E R November D E C E M B E R December तो ये क्या है 12 मंथ है मंथ में कितने मंथ्स होते हैं 12 मंथ्स होते हैं January February March April May June July August September October November दिसंबर अभी कौन सा मंथ चल रहा है अगस्त कौन सा मंथ चल रहा है अगस्त तो आपको मंथ्स नेम करवा दिए हैं आज का आपका मैथ्स में वर्क है आज की डेट लगानी है आपको आज का डे लिखना है हेडिंग डालनी है आपको मंथ ऑफ द ईयर वन ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 12 मंथ होते हैं ईयर हैज 12 मंथ्स और आपको ये 12 मंथ्स में अपने नोटबुक में वर्क करना है और ये 12 स्पेलिंग आपको लर्न भी करनी है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 12 स्पेलिंग आपको लर्न करनी है और अपने नोटबुक में वर्क भी करना है मैथ्स की बुक में पेज नंबर 89 पेज नंबर पे आपको मंथ्स नेम दे रखे हैं मंथ्स ऑफ द ईयर ये देखो 89 पेज नंबर पे आपको मंथ्स नेम दे रखे हैं तो आपको इसमें से देख के अपने नोटबुक में वर्क करना है और मंथ नेम आपको लर्न भी करना है तो आज का आपका मैथ्स में वर्क है मंथ्स नेम लर्न करने हैं प्लस अपनी नोटबुक में वर्क भी करना